हेलो एवरीवन, मैं हूँ रितु व्यास। वेलकम टू माय चैनल। आज हम बनाने वाले हैं सोया बड़ी। सोया बड़ी बनाने के लिए सोयाबीन को हमने एक रात पहले पानी में अच्छे से भिगो दिया था। आप देख सकते हैं सोयाबीन अच्छे से फूल चुकी है। अब हम सोयाबीन को ग्राइंड करेंगे। ग्राइंड करने के लिए हमने एक मिक्सी का जार लिया है। इसमें हम भीगी हुई सोयाबीन को ऐड करेंगे। अब हम इसमें सभी मसालों को ऐड करेंगे। आधी चम्मच हल्दी पाउडर, आधी चम्मच लाल मिर्च पाउडर, एक चम्मच हम इसमें धनिया पाउडर ऐड करेंगे, आधी चम्मच जीरा, टेस्ट के अकॉर्डिंग हम इसमें नमक ऐड करेंगे। अब हम इसमें हींग ऐड करेंगे। आप देख सकते हैं हींग की क्वांटिटी कितनी लेना है। अब हम सोयाबीन को ग्राइंड करेंगे। सोयाबीन को ग्राइंड करते समय आप ध्यान रखिए एक्स्ट्रा पानी का यूज़ ना करें। सोया बड़ी बनाने के लिए हमारा पेस्ट कंप्लीट है। इसको हमने ज़्यादा बारीक नहीं किया है। इसको हम हल्का दरदरा रखेंगे। अब हम एक पॉलीथीन लेंगे। आप देख सकते हैं किस तरह की पॉलीथीन को हमने यूज़ किया है। सारे पेस्ट को हम सीधा पॉलीथीन में निकाल लेंगे। सोया बड़ी में अभी हमने कम मसालों का यूज़ किया है। जब हमारी सोया बड़ी की सब्जी बनेगी उस समय हम इसको ग्रेवी के साथ बनाएंगे। पूरे पेस्ट को पॉलीथीन में निकाल कर हम इसको ऊपर से एक रबड़ लगा कर पैक कर देंगे। हमने दूध की पॉलीथीन का यूज़ किया है। दूध की पॉलीथीन मजबूत भी होती है और बहुत ही सॉफ्ट होती है, इसलिए जब हम इसकी बड़ी बनाएंगे तो बहुत ही आसानी से बन जाएगी। सोया बड़ी को आप अपने हाथों से भी बना सकते हैं, बट हम इस तरह से पॉलीथीन में पैक करके बनाएंगे तो सोया बड़ी बहुत ही अच्छे बनेगी और बहुत ही जल्दी बन के कम्प्लीट हो जाएगी। सोया बड़ी को हम प्लेट पर और पन्नी पर दोनों पर बना के बताएंगे। सोया बड़ी बनाने से पहले आप पन्नी पर और प्लेट पर अच्छे से ऑयल लगा लें, जिससे आपकी सोया बड़ी उस पर चिपकेगी नहीं। अब हम पन्नी के एक साइड एक छोटा सा होल करेंगे। अब हम बिना टाइम वेस्ट करे सोया बड़ी बनाना स्टार्ट करते हैं। आप देख सकते हैं कितनी आसानी से हमारी सोया बड़ी बन रही है। घर पर बनाई हुई सोया बड़ी खाने में बहुत ही अच्छी लगती है। यदि आप इसको मंचूरियन या नूडल्स में भी ऐड करेंगे तो टेस्ट बहुत ही अच्छा लगेगा। बहुत ही कम समय में हमारी बहुत सारी सोया बड़ी बन के कम्प्लीट हो चुकी है। इस सोया बड़ी को हम दो दिन के लिए धूप में सुखाएंगे। जब हम इसको धूप में सुखाएंगे तो ये सोया बड़ी हमारी एक साल तक खराब नहीं होगी। ये लीजिए, हमारी मार्केट की तरह सोया बड़ी बनके कंप्लीट है। हमने इसको पॉलीथीन और प्लेट दोनों पे बनाकर आपको दिखाया है। एक दिन के बाद जब आप इसको पन्नी से निकालेंगे तो ये बहुत ही आसानी से निकल जाएगी। उसके बाद आप इसकी साइड चेंज करते हुए इसको धूप में सुखा लीजिए। हम आपसे फिर मिलते हैं एक नई चटपटी रेसिपी के साथ। बाय बाय, थैंक यू।